भी एटम को हम एक एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी सॉलिड बना हुआ है वो सॉलिड एटम्स का है, मॉलिक्यूल्स का है, आयंस का बना हुआ है, और वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, होता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी जो होती हैं केमिस्ट्री में वो डिटरमाइन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो किसी भी एटम में जब आप नोटिस करो, यू विल फाइंड कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल एटम बना रहा हूं जिसके अंदर लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, हर इलेक्ट्रॉन का दो मोशन होता है, एक होता है वो खुद के अराउंड स्पिन करता है, उसको हम कहेंगे कि उसका वो स्पिन मोशन है, दूसरा वो ऑर्बिट के चक्कर काटता है जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अब यहां पे ऑर्बिटल का मतलब वो क्वांटम वाला ऑर्बिटल नहीं है, व्हिच ऑर्बिटल व्हाट आई मीन टू से इज कि वो उस न्यूक्लियस के चक्कर काटेगा। तो जब वो उस न्यूक्लियस के चक्कर काटेगा, याद रखना हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें ऑलरेडी होता है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब इमेजिन करो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटने वाला है। अब जब वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेगा उसकी दूसरी प्रॉपर्टी वो खुद स्पिन होगा, जस्ट लाइक जैसे धरती सूरज के चक्कर काटती है प्लस वो खुद भी स्पिन होती है, सेम इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन भी वैसे करता है। शायद यही रीजन है कि हमारे जो अब जो हम एटॉमिक मॉडल लेते हैं उसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेनेट के साथ कहीं ना कहीं रिसेंबल करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां धरती का मून होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वहां पे एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है हमारे पास। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहां पे चक्कर काटेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो पहला मैग्नेटिक इफेक्ट जो आएगा वो उसके उस मोशन की वजह से आएगा जहां पे वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, उस मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो उस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है पहला। दूसरा इफेक्ट जो हमारे पास आता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद स्पिन करता है। जब इलेक्ट्रॉन खुद स्पिन करता है तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। अब जब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उसमें नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, इसका सिंपल रूल याद रखना, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। जैसे मेरा पहला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो इस तरीके से स्पिन कर रहा है, तो जो आपका थंब होगा ना, थंब ये आपका नॉर्थ पोल बताएगा, सॉरी साउथ पोल बताएगा, तो आपका थंब साउथ पोल बचाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रॉ किया, अगर वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन करता है ऊपर साउथ पोल आएगा, नीचे नॉर्थ पोल आएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्पिन करता है इस तरीके से, उसका स्पिन एक्सेस इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे साउथ पोल आएगा और ऊपर कौन सा हो जाएगा उस समय, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन, जो वो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, ये दो मोशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे ना बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊँ, आप अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ो या आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ो, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं मानता हूँ वो मैं कहूँगा उसका स्पिन। हम इस टॉपिक में जो भी बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में बात करेंगे, उसके ऑर्बिटल मोशन का कंसिडरेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये समझने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम समझेंगे कि कब हमें उसका ऑर्बिटल मोशन यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन चक्कर भी काट रहा है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये अगर समझना है तो हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही बना सकते। लाइक मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक टॉपिक के लिए अगर अलग वीडियो बना के समझने की कोशिश तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, नहीं तो सारी चीजें जंबल हो जाएंगी। यहां इस वीडियो में हम जो फोकस करने वाले हैं ना वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन पे हम फोकस करने वाले हैं कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से हम सब्सटेंसेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी बहुत बार। जब भी आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हम उसके लास्ट में देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन, अभी दो कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन लेता हूं कि मान लो मेरे पास एक s और एक p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में मेरे पास दो सिचुएशन है, मान लो एक टाइम है जब p ऑर्बिटल पूरी की पूरी तरीके से भरी हुई है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर मेरे पास p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। मैं जरा इस सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, मैं दो पेयर नहीं बनाता, मैं सिर्फ एक ही पेयर यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। एक मेरे पास पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोजिट स्पिन कर रहा है, एक टाइम पे वो स्पिन ऐसे कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा पोल आएगा, उसके ऊपर साउथ पोल आएगा, नीचे नॉर्थ पोल आएगा, और दूसरे मोशन में वो स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से कर रहा है तो इसका नीचे साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल आएगा। अब सिंस ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में स्पिन
स्पिन कर रहे हैं हम यहाँ पे एक स्पिन क्वांटम नंबर भी यूज करते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है, हम उसके डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाते, बट हमको पता है कि हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस हाफ और एक होता है हमारे पास माइनस हाफ। ये प्लस हाफ माइनस हाफ भी एक तरीके से आपको यही सिखा रहा होता है, यही बता रहा होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है एक अगर ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे डायरेक्शन में, इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मैं कह सकता हूं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए, अब इनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी तक किसी के साथ पेयर्ड नहीं हुआ है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल अभी तक किसी के साथ एंगेज नहीं हुआ है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से इस एटम के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी तक किसी के साथ जनरेट नहीं हुआ। देखो, यहां से नॉर्थ पोल से निकलने वाला सारा मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ चला गया, यहां से नॉर्थ से निकलने वाला सारा किसकी तरफ चला गया, साउथ की तरफ चला गया। ओवरऑल इफेक्ट इन दोनों, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां सिर्फ स्पिन की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होंगे, वो ऑर्बिटल मोशन में भी होंगे। ऑर्बिटल मोशन के कंसीडरेशन वाले वीडियो को मैं बाद में बता दूंगा, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, और उसको हम कब कंसिडर करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये स्पेशली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो जब हम वहां पे वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल हम यहां पे ये समझ लेंगे कि अगर मेरे पास किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे भाई ऐसे कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, देखो इसका सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश करो। जब भी आप किसी सब्सटेंस को लेते हो और उस सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, व्हेनेवर यू टेक अ सब्सटेंस एंड यू आर ट्राइंग टू प्लेस इट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं यहां पर आपने नॉर्थ पोल रखा है और आपने सामने यहां पर साउथ पोल रखा है, यूजुअली होना क्या चाहिए था, अगर आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मान लो आपने बीच में कोई भी सब्सटेंस नहीं रखा है, एक सिचुएशन लेते हैं जहां पर आपने एक भी सब्सटेंस नहीं रखा, उस केस में आपका सारा का मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा और यहां की तरफ चला जाएगा, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल। लेकिन जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस बीच में रखते हो, या मैं कह सकता हूं एक सर, मुकेश जी का पेमेंट ब्लॉक हो गया है। आपके पेपर मीडियम बीच में रखते हो जिसके में से इस मैग्नेटिक फील्ड को गुजरना पड़ेगा और सामने वाले साउथ पोल के पास जाना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि आपका ये जो मटेरियल है, ये जो आपने मटेरियल रखा है, ये अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो भाई ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके आपस के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर हो गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, इनका इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लो उसमें इस सब्सटेंस में कोई एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते, बाकी सब जोड़ियों में है बेचारे, यही है जो अनपेयर्ड हैं। अब अगर ये अनपेयर्ड होते तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल टाइम पे जब आपने इनको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा होता, कोई इस तरीके से अलाइंड होता, कोई इस तरीके से अलाइंड होता, कोई इस तरीके से अलाइंड होता, रैंडम अलाइनमेंट होता। लेकिन जैसे ही आप उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखते हो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद देखो हम एक एक काम कर लेते हैं। ये हेड की तरफ मान लेते हैं साउथ पोल है, यहाँ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल। अब देखो इनका साउथ नॉर्थ कोई भी किधर भी कैसे भी किसी डायरेक्शन में अलाइंड है, तो हम कहेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर प्रोड्यूस है वो जीरो है, क्योंकि सब का पता नहीं कौन कहाँ किधर कैसे है। पर जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें से अप्लाई करते हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि सामने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, आपका नॉर्थ है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि अब इनका साउथ किसकी तरफ आना चाहिए, इस अप्लाइड नॉर्थ की तरफ, इसका साउथ किसकी तरफ आना चाहिए, अप्लाइड नॉर्थ की तरफ, समझ में आया, इसका साउथ किसकी तरफ आना चाहिए, अप्लाइड नॉर्थ की तरफ, जिसकी वजह से हो ये जाएगा कि आपका जो ऊपर का साउथ है उसको इनका नॉर्थ मिल जाएगा, उनको इनका नॉर्थ मिल जाएगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, उनको इनका नॉर्थ मिल जाएगा। तो मैं एक तरीके से कहूंगा, देखो मैं यूं कह सकता हूं कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं जा रहा है, एक्चुअली इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया कि इनका साउथ इसके नॉर्थ के सामने आ गया और इसका नॉर्थ इसके साउथ के सामने चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो गया।
अब समझ में आया, यही मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ है ऐसा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो तुमने अप्लाई किया है, दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड इज वर्किंग, इज एक्टिंग ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स हु आर स्पिनिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उनके स्पिन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को ओरिएंट किया इस तरीके से, उनका साउथ इसके नॉर्थ के सामने, तो एक पोल ऐसा बन गया। अब अगर आप देखोगे नॉर्थ और साउथ हो गया, पर ऊपर नॉर्थ आ गया ना, ऐसा लग रहा है यहाँ का नॉर्थ खिसक के ऊपर चला गया। इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये देखो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ सामने आ गया, तो नॉर्थ कहाँ चला गया, अब नॉर्थ अब यहाँ चला गया, ऐसा नहीं लग रहा नॉर्थ अब साउथ के सामने, जो नॉर्थ यहाँ था अब वो नॉर्थ यहाँ आ गया, साउथ के सामने आके खड़ा हो गया। बस प्रॉब्लम ये है, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ नहीं गया है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा वहाँ पे पहुँचा है वो डिपेंड करता है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते तो अपने आप को ज़्यादा अलाइन करते, ज़्यादा नॉर्थ साउथ की तरफ आते, तो यहाँ से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा हद तक पहुँच पाता। तो कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक है कि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, क्या वो इलेक्ट्रॉन पैड हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन अनपैड हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन पैड होते तो वो लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अनपैड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि नॉर्थ के सामने उनका साउथ आएगा और उनका नॉर्थ अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साउथ के सामने जाके खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से उनमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगा। अब पास हो जाएगा इन द सेंस दे आर ओरिएंटिंग देमसेल्फ इन सच अ वे दैट इट सीम्स लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड उनमें से पास हो रहा है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल केस, मे बी एक्चुअल केस होगा, बट देखने वाले को ऐसा लगेगा कि यहां से सारा मैग्नेटिक फील्ड यहीं का मैग्नेटिक फील्ड निकल के वहां गया है। रेदर ऐसा हो रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साउथ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्शन इज डिफरेंट, इट सीम्स लाइक कि यही नॉर्थ वहां पे जाके इंटरैक्ट कर रहा है। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस बेस्ड ऑन दिस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कितने अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं